हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2018, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। कब आएगी, कैसे आएगी, किस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भर्ती की डेट के बारे में कोई भी जानकारी इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने भर्ती की डेट की जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया है तो कृपया इसे बंद कर दें। यहाँ पर जानकारी मैं दूंगा चार बदलावों के बारे में और प्रीलिम्स का जो सिलेबस होगा उसके बारे में और उसका पेपर का किस प्रकार से वेटेज रहेगा, कितने कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इन्हीं के बारे में आज पूरी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि दो तीन जानकारियाँ ऐसी दूंगा जो अभी तक आपके पास नहीं है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात यह है, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में चार बड़े बदलाव हो रहे हैं। वो कौन से हैं, जिसमें से कुछ बदलाव मैंने पहले आपको बता दिए थे। पहला बदलाव, ग्रेजुएशन कर दिया गया योग्यता में, ट्वेल्थ पास के लिए ये नहीं है। इसमें भी आपका फायदा ही है, फायदा मैंने पहले बता दिया था, पुराना वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो पद हैं वो पहले मैंने बताए थे 2000 के अप्रोक्स थे वो, लेकिन अब पद जो है उनकी जो सूचनाएँ मिल रही है वो 3000 के अप्रोक्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो सेकेंड अभ्यर्थना भेजी गई थी उसमें जो पद थे वो 3000 थे और अब जो ये भर्ती आएगी वो 3000 पदों के समथिंग ही आने की बातें कही जा रही है। आगे अगर मैं बात करूं, एक बात मैं यहाँ कन्फर्म कर देता हूं, ये भर्ती कन्फर्म आएगी। और जब मैं कह देता हूं कन्फर्म आएगी तो आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, जितनी भी भर्तियों के बारे में मैंने जब जब कन्फर्म कहा है वो भर्तियाँ आई है। और कई जानकारियाँ मैंने ऐसी भी दी है जो जानकारियाँ ऑफिशियल साइट्स में बाद में आती है, अखबारों में बाद में छपता है, लेकिन पहले हम बता देते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अभी रिसेंटली मैंने जो डेट्स के बारे में बताया था, इतने इतने एग्जाम होंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, उनकी भी जो जानकारियाँ थी वो एग्जैक्ट सही थी। बाद में आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें वही जानकारियाँ थी। तो आपके कुछ एक शंकाएँ जो अगर दिमाग में होती है तो उनको आप क्लियर कर लें पहले ही, क्योंकि अगर आपको शंका है तो उसका समाधान मैं नहीं कर पाऊँगा। आप क्लियर होके प्रिपेयर होके यहाँ पर वीडियो देखें और बैठें। और आपको अगर लगता है कि कुछ सही मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तीसरी बात मैं कर दूँ वेतनमान की। दोस्तों, पहले आपका वेतनमान जो कम हुआ करता था, अब यहाँ पर 26,300 आपका वेतनमान होगा, जो कि L8 का वेतनमान होता है और ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और ये क्यों किया गया है, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जो पटवारी लगे हुए हैं, जो सातवां वेतन आयोग लगा उसके लगने के बाद पटवारियों की जो पिछली बार वैकेंसी हुई थी उसमें जो अपॉइंटमेंट ली गई थी, जो जॉइनिंग हुई थी, उनकी जॉइनिंग की जो डेट के अनुसार सैलरी बनी है वो सातवें वेतन आयोग के अनुसार वो सैलरी कम हो गई है। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है। और अभी भी वर्तमान में जो पटवारी पिछली बार की परीक्षा में और उससे पिछले की परीक्षा में लगे थे उनके वेतन में अभी भी विसंगतियां पाई जा रही है। वो लोग इसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं समय समय पर। आगे मैं आपको बता दूं, चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा परिवर्तन है, वह यहाँ आपको दिखेगा, ऑफिस वर्क रहेगा मुख्यतः आपका। अधिकतर हमने देखा है कि पटवारी को फील्ड वर्क दिया जाता था पहले, लेकिन अब आपको मैं बता दूं ऑफिस वर्क किस प्रकार का रहेगा। आपको एक तो सॉफ्टवेयर का काम ज़्यादा करवाया जाएगा, दूसरी बात यह है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको कंप्यूटर की डीप नॉलेज भी होना चाहिए। बहुत से मैंने यूट्यूब चैनल देखे हैं जहाँ पर पटवारी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, सब ने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लिख रखा है। दोस्तों, बेसिक भूल जाइए आप, फिर बाद में आप कहेंगे कि बोर्ड ने पेपर कहाँ से दिया है। बेसिक नहीं, डीप पूछा जाएगा। कंप्यूटर के जो आंतरिक प्रश्न होते हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले प्रश्न होते हैं, उस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस टाइप का ही काम करवाया जाएगा, नॉट ओनली प्रश्न। तो ध्यान रख लेना, इस बार पटवारियों का जो वर्क है, अगर आप अभी भी जाकर के संबंधित पटवारी जो लगे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में, वहाँ जाकर खुद देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बता देंगे वो आपको कि किस प्रकार का काम करवाया जाता है। बेसिकली अच्छा वाला काम जो है फील्ड का काम नहीं होता है, ऑनलाइन वर्क ज़्यादा रहेगा। ऐसा भी देखा गया है कि दो भागों में आपके कार्य को डिवाइड कर दिया जाए। डिवाइड कौन करेगा, तहसीलदार करेगा संबंधित, या फिर डीएम या एडीएम करेगा। उसमें यह हो सकता है कि आपसे फील्ड वर्क वाले पटवारी कुछ अलग रहें और ऑफिस वर्क वाले पटवारी कुछ अलग रहें। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा ऐसा देखा भी गया है, कुछ एक पटवारी जो ऑफिस वर्क करते हैं, कुछ एक पटवारी जो फील्ड वर्क करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पटवारी का ऑफिस वर्क, फील्ड वर्क पहले तो उससे ही ज़्यादा बेकार हुआ करता था।
लेकिन एक बात और बता दूं, वर्तमान में जो कंडीशंस है उसके अनुसार पटवारी का वर्कलोड भी बड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नौकरी मिलने के बाद वर्कलोड नहीं होगा, वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा और ऑफिस वर्क रहेगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस में प्री का सिलेबस मेन के सिलेबस में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं होंगे। सिलेबस ये है, पहला जो टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है, टॉपिक कहना तो गलत होगा, टॉपिक तो कहीं सारे होंगे, टोटल चार पॉइंट यहाँ पर आपको दिखेंगे। पहला है जीके का, जीके के अंदर जो मेन फोकस आपका रहेगा और राजस्थान जीके का रहेगा, आपको सबको पता है, उसके अंदर भी इतिहास, इतिहास के कुछ एक प्रश्न बनेंगे। मेरी अगर एडवाइस माने तो आप कला संस्कृति और साहित्य पे गहरा जोर दें। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, कला संस्कृति और साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। भूगोल से भी प्रश्न बनेंगे, जो स्टैटिक डेटा है भूगोल का उसको आप रट लीजिए अभी से। स्टैटिक डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, समझते हैं ना, स्टैटिक डेटा क्या है, जो परिवर्तित नहीं होता है। जैसे पता है कि बाड़मेर की सीमा कहाँ कहाँ किस किस से लगती है या पर्टिकुलर कोई नदी कहाँ से कहाँ जाती है, इस पर कई बार प्रश्न बने हैं अधीनस्थ बोर्ड के, 2018 की बात करता हूँ मैं एनालिसिस करने के बाद। और आपने देखा होगा कि साहित्य के भी प्रश्न आरएस में पूछे गए थे और अन्य एग्जामों में पूछे गए, साहित्य का मैंने एक वीडियो बना रखा था उसमें से कई सारे प्रश्न भी आए थे। तो आप कहीं से भी साहित्य वाला, राजस्थान का साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, और संस्कृति और कला वाले प्रश्न तो आज ही रख लें, तैयार करके रख लें। तो राजनीतिक करंट के कई सारे प्रश्न उसमें बन सकते हैं। राजनीतिक करंट वैसा ही होता है, आपके कोई से भी करंट की बुक लें आप, उसमें देख लेना कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ किन किन पद पर हैं, उन्हीं के प्रश्न बनेंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, ज़्यादा टफ भी नहीं होता। राजनीतिक घटनाएं जो समसामयिक घटना हुई है उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले ले तो राजनीति आपकी ठीक हो सकती है। उसके अलावा एक टॉपिक आता है दैनिक विज्ञान का, दैनिक विज्ञान के अंदर कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो दैनिक विज्ञान के अंदर आपका बहुत सारा पोर्शन आता है, लेकिन इसमें से बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, और इसके अंदर आपका जो आईटी वाला पोर्शन रहेगा वो नहीं आएगा। उसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पर एक सब्जेक्ट दे दिया है इन्होंने, तो इसमें से बायो और फिजिक्स में से प्रश्न बनने की संभावना है। वो सारी डिटेलिंग मैं आगे बताता जाऊँगा आपको जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा। संख्यात्मक एवं तार्किकता दूसरा पॉइंट है। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो संख्यात्मक और तार्किकता के अंदर भी जैसे जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तार्किकता के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि संख्यात्मक क्वेश्चन आपको पता है कि बोर्ड मास रूल वगैरह क्या होता है, इस प्रकार के जो है जो संख्यात्मक क्वेश्चन है उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका पूरा सिलेबस आने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। कंप्यूटर के अंदर आपके डीप कंप्यूटर और आईटी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नेटवर्किंग भी हो सकता है, जिसमें आपका बहुत सारी पोर्शन नए भी जुड़ सकते हैं। एक बात ध्यान रख लेना, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जाना बंद हो चुके हैं, तो इनके भरोसे मत रहें। बहुत ही विचलित कर देने वाले प्रश्न भी देखे जा सकते हैं। आपको बता दूं, आपके एलडीसी के एग्जाम के सेकंड फेज वाले पेपर में, सेकंड फेज यानी सेकंड दूसरे नंबर का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर आपके ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन बना है, जबकि उसके अंदर बेसिक कंप्यूटर पूछे जाता है। एलडीसी की मैं बात कर रहा हूँ 2018, तो आप देख लीजिए इसमें कंप्यूटर का पार्ट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो इसके अंदर कितना डीप जा सकता है, अधीनस्थ बोर्ड की करतूतें आप जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को पढ़ें तो किसी बेसिक बुक को फॉलो ना करें, बढ़िया स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन जो बुक है उसको फॉलो करें, और अच्छा खासा कंप्यूटर्स में आपके आने वाला है। सामान्य हिंदी के लिए बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं और बहुत सारी जानकारी दे रखी है, अगर आप चाहेंगे कमेंट पूछेंगे तो उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक या उसको रीएडिट करके मैं आपके लिए दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे अगर बात करें तो इनका कितना कितना मटेरियल रहेगा, दोस्तों ये पूरा पोर्शन जो आपका आएगा, ये पूरा पोर्शन 100 नंबर का आएगा, तो आप देख लीजिए 100 में से इतने सारे हैं तो कितने कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। संख्यात्मक तार्किकता ये भी 100 नंबर का आएगा। कंप्यूटर आईटी वाला पूरा कंप्यूटर आईटी ही 50 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें डीपली पूछा जाएगा वर्ड के बारे में, डीपली पूछा जाएगा एक्सेल के बारे में, डीपली पूछा जाएगा पावर पॉइंट के बारे में, डीपली पूछा जाएगा आपके डाटाबेस के बारे में, बहुत सारी चीज़ें डीप का होगा, उसको डीपली आपको बता दिया जाएगा। और हिंदी के अंदर सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी पूछी जाएगी, जिसके अंदर आप संधि वगैरह ये है इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं संधि के, इनको तो आज ही रट लें। तो ये था टोटल नंबर आपका 300 का पेपर, और अगर मैं बात करूं आज ही आप तैयारी करना स्टार्ट कर दे अगर आपको नहीं करी है तो, क्योंकि ये भर्ती कंफर्म है, आने वाली है। मैंने जैसा पहले ही बताया, क्योंकि मैं आज का समय ख़राब करना आपका नहीं चाहता, तो इसलिए पहले बता दिया, डेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो थी जो मैंने आपको बताई। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, मैंने रही एडीसी के साथ, थैंक यू।